चली जाती है अपनी इन सबके बीच में जो इन्होंने किया है मेरे साथ। अभी मेरा ऑलरेडी कल पाँव इन्होंने गाड़ी के नीचे दिया है और जिस तरीके से उनको लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से हथकड़ी लगाई है और चाबियां नहीं उनको मिल रही हैं, हाथ उसके काम पर हैं, पता नहीं कौन से मुल्ज़िम हैं। हम तो इनके गुलाम नहीं है जो ये कहेंगे कर लेंगे। बस मेरा यही है कि इनको रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द। कर दिए गए हैं और वो बार बार कह रहे हैं आपको ये टेस्ट कराना है और उसके लिए हमें लाहौर उनको लेके जाना है और हमें पैमरा से ऑफिशियली वीडियो निकलवाई है। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब खुद ही उस बयान को कह रहे हैं कि ओन कर रहे हैं कि ये मेरा ही है, क्योंकि फवाद चौधरी चार पांच तो है नहीं, वो ओन कर रहे हैं उसको, तो फिर भी वो उनकी तरफ से स्टेट की तरफ से यही है कि जी हमें इनको रिमांड पे दें, पता नहीं 6 दिन लग रहे हैं और हमें इनको लाहौर लेके जाना है जस्ट डिले टैक्टिक और अजियत देने के लिए। बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। आज फवाद साहब की आंखें भी नम थी जब उन्होंने अपनी बेटियों का मेरे बारे में पूछा उनका, और वो उनको नहीं मिलने दे रही है। 5 साल की और 4 साल की बच्ची को तो कम से कम आप मिलने दें, इतना जुर्म ना करें। और जिस तरीके से अभी लेके गए हैं और मुझे कुछ लाए सब ने, वो आपके सामने है सारी किसी में मजम्मत है, मजम्मत है, कोई होश के नाखून ले ये स्टेट भी। और मेरी अभी भी सीधे ऑनरेबल चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस तरीके का रवैया ना इख्तियार करें। ये एक मुल्क है, यहाँ पे राइट है आपका इंटरवीन करना, आपका सो मोटो लेना बहुत ज़रूरी है इस केस में, वरना लोग ना उम्मीद हो जाएंगे।